यदि आप शादी के लिए नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं या आपकी शादी के लिए आपको मनपसंद रिश्ता नहीं मिल रहा तो सारी दिक्कतें खत्म होने जा रही हैं, जो सरकार की मिलन योजना के तहत संभव हो सकेगा। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खुले CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करवा कर मनपसंद वर या वधु की तलाश पूरी की जा सकेगी। हरियाणा प्रदेश में अभी तक 4 दिन में 285 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संचालित CSE के माध्यम से शादी के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढने वाले ग्रामीणों के लिए ग्रामीण मैट्रिमोनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के युवक और युवतियों की शादी के लिए वर वधु खोजने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। CSE पर भरा गया प्रोफाइल बेहद ही सुरक्षित है। जिस परिवार ने शादी के लिए पंजीकरण कराया है उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तभी पंजीकरण करने वाला रिश्ते के लिए भेजी गई प्रोफाइल देख सकेगा। CSE संचालकों को पंजीकरण के लिए milan.csc.service.in पोर्टल से पंजीकरण हो सकेगा। CSE के लिए यूजर ID बनानी होगी। हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से अभी तक मैट्रिमोनी वेबसाइट पर 286 लोगों ने अपने आवेदन कर दिए हैं, जिसमें इस समय 259 लोगों की प्रोफाइल एक्टिव है, तो वहीं 27 लोगों ने अपना पंजीकरण किया है लेकिन उसमें पूरी जानकारी अभी तक नहीं भरी है। हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जिलों के गांवों से आवेदकों में 271 लड़के और 15 लड़कियां हैं जिन्होंने शादी के लिए आवेदन किया है। ग्रामीण मैट्रिमोनी पर अपना पंजीकरण करते समय युवक या युवती को अपनी एक फोटो देनी पड़ेगी जो प्रोफाइल में दिखेगी, और वहीं उसे अपने 5 MB की एक वीडियो भी अपलोड करनी पड़ेगी जिसमें वह अपनी पूरी जानकारी देंगे। वही पोर्टल में जन्म तिथि, जन्म का समय, कद, रंग, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, इनकम राशि और पूरे परिवार की जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही उसका पंजीकरण होगा और एक ID बनेगी। जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं उन्हें वह प्रोफाइल दिखेगी। जब कोई यूजर उस प्रोफाइल को देखने की कोशिश करेगा तो पंजीकृत नंबर पर एक OTP आएगा, वह डालने के बाद ही कोई दूसरा किसी की प्रोफाइल को देख पाएगा। ये तो मैट्रिमोनियन जो अपनी shaadi.com वगैरह होती है जैसे, उसी प्रकार गांव के अंदर ये CSE ग्रामीण मैट्रिमोनियल के नाम से एक बनाई गई है, जिसके अंदर कोई भी ग्रामीण कोई भी शहरी अपना शादी के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें एक तरीके से अपना बायोडाटा चढ़ा सकता है। ये कब से लॉन्च की गई है? ये पिछले हफ्ते लॉन्च की गई है। इंडिया लेवल पे सभी CSE सेंटर पे इसको आप जाकर अपना भर सकते हो आवेदन, या अपना जो बायोडाटा चढ़ाना है किसी भी CSE के ऊपर जाकर आप बना सकते हो। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसके डेवलपर हैं 2 जी, एक मिस्टर नीरज है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, और सेकंड है मिस लक्षिका। और ये NIC जो हमारा जो सेंटर होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, उनके द्वारा आगे बताया गया। सर, इसमें हम बात करेंगे आवेदन कितने हो चुके हैं अभी तक? जहाँ तक हम करते हैं उसके अंदर 285 प्रोफाइल्स इसमें दिखाता है, जिसके अंदर 271 लड़के हैं और 15 लड़कियों का आवेदन हो चुके हैं। तो इसमें खर्चा कितना लगता है सर? ये अभी तक तो इसमें कोई खर्चे की ऐसी कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोटिव ऐसे है जैसे कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं जैसे, ठीक है, वो अपना अपना पैसा ले रही है, मोटा पैसा कमा रही है, तो सरकार ने ये सोचा भी जो भी गरीब आदमी है जिसकी शादी नहीं हो रही है या जो किसी वजह से इन कॉस्टली साइट्स के ऊपर अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाते, वो CSE ग्रामीण के ऊपर जाकर अपना अपडेट करवा सकता है। मैम, इसके अंदर एक तो फ़ोटो चाहिए, एक वीडियो चाहिए 5 MB की, जिसके अंदर वो अपना बायोडाटा बोलकर बताएगी। उसके बाद फैमिली की इनकम कितनी है, क्या काम करते हैं, कितने बहन भाई हैं, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी बेसिक प्रोफाइल, ये वगैरह सब कुछ अपलोड होता है।